अब राजस्थान। हाँ जी, आज बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में कौन कौन से कॉलेज थे भैया? लाखों में रैंक, सीएससी ब्रांच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्या क्या सारा सब कुछ। एकदम शुरू से शुरू करते हैं, राजस्थान के जयपुर जिले से शुरुआत करते हैं। राजस्थान के जयपुर की अगर बात की जाए, अब तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कोई बड़ा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको MNIT जयपुर मिल जाता है। हाँ जी, उसके लिए आपको जसरोसा के अंदर भर भर के रैंक लानी पड़ती है, तब आपको MNIT इंस्टीट्यूट मिलता है, जो कि एक NIT है। हाँ जी, राजस्थान के अंदर एक IIIT भी है, IIIT कोटा। हालांकि IIIT कोटा की क्लासेस भी MNIT जयपुर के अंदर ही कंडक्ट की जाती है। IIIT कोटा का कोई स्पेसिफिक अभी तक अब कैंपस बन रहा है, अब फुली तरह से रिनोन्ड क्लासेस की कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ जी, ये तो हो गई अब गवर्नमेंट की बात। अब इंजीनियरिंग के लिए अगर बात करें राजस्थान में, अब राजस्थान में क्या होता है वैसे? हाँ जी भैया, धोराली धरती और वो राजा महाराजाओं वाला कल्चर अभी नहीं है वो। हाँ जी, अभी नॉर्मल चलता है उधर। क्या आपको क्या लगता है, मतलब भाला लेके चल रहे होंगे क्या सारे लोग? हाँ, राजस्थान में बहुत पानी है, बहुत लोग बोलते हैं भैया बहुत कोल आता है हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में कैसे जाएगा हमारा बच्चा? हाँ जी, वहाँ पे पानी मिलता है प्रॉपर, वहाँ पे पानी के चार्जेस ज्यादा तो नहीं है, वहाँ पे बिस्लरी के प्राइजेस ज्यादा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वैसे राजस्थान में पानी प्रॉपर मिलता है, पानी बहुत है, नदियां भी है, आजकल तो काफी सारी नदी भी आ रही है पंजाब हिमाचल से। मजाक कर रहा हूं। तो दोस्तों, जयपुर के अंदर इंडिया की नहीं, राजस्थान की जितनी ज्यादा कॉलेजेज है ऑलमोस्ट जयपुर के अंदर ही आपको मिलेगी। प्राइवेट कॉलेजेस की कुछ अगर बात करते हैं, अच्छे कॉलेजेस के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसे कि JECRC कॉलेज, पूर्णिमा कॉलेज एंड कुछ और प्राइवेट कॉलेजेज है जो कि ठीक ठाक ऑपरेट करते हैं। राजस्थान के जो मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेज हैं वो है रूरल एरियाज के अंदर। हाँ जी, वैसे तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज खुल के रखे हैं, आप पत्थर फेंक के मारोगे किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को जाके लगेगा। हाँ जी, हर कोई अपने आप को इंजीनियरिंग कॉलेज बोल रहा है। अब बहुत सारे तो फेक कॉलेजेज भी है, UGC ने डिक्लेयर कर रखा है ये फेक कॉलेज है, फिर भी वो एडमिशन दे रहा है। खैर, हम बात कर रहे हैं CSE ब्रांच की, अच्छे कॉलेजेज की जो कि कम रैंक पे आपको मिल सकते हैं। अब तो जयपुर से चलते हैं हम अजमेर की तरफ। हाँ जी, आपको अजमेर के अंदर एक कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर। हाँ जी, जो कि उतना ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन आपके अगर लाखों में रैंक है तो आपको डिग्री लेने लायक कॉलेज है वो, ठीक ठाक। प्लेसमेंट की तो हम कुछ कह नहीं सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक ठाक है, बच्चे परफॉर्म करते हैं ठीक ठाक, अपने आप की प्रिपरेशन करके वो जिंदगी ठीक ठाक जी सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको सच में दिल से अगर बताऊं तो पिछले कई सालों से, बचपन से जब से मैं समझने लगा था तब से मैं काउंसलिंग ही करने लगा था बच्चों की, भैया कौन सा अच्छा कॉलेज है और कौन सा बुरा कॉलेज है। आज देश के मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस के रिव्यू वीडियोज मैंने बचपन से बना दिया था। हाँ जी, 3.5 लाख के बाद हमारा एक चैनल डिलीट भी हो गया था कुछ इश्यूज के कारण। मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर यही डिसाइड किया, यही चेक किया, यही देखा कि यार ये कॉलेजेस तो नहीं बदल सकते, हम ही कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमने 2021 के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है सारथी। हाँ जी, उसके अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली, उसमें क्या करते हैं हम बच्चों को सिखाते हैं, भैया तू लल्लू लाल कॉलेज में है, चंगू मंगू कॉलेज में है, हाँ जी अब बेकार कॉलेज में है, तुम्हारे वहां पे इंफ्रा नहीं है, इनोवेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, फंडिंग नहीं है, स्टार्टअप कल्चर नहीं है, अब डोंट वरी। हम क्या करते हैं, हम आपको सारी की सारी अपॉर्चुनिटी देते हैं, भैया तुमको जितनी भी सारी स्किल्स हैं, हाँ जी तुमको हम क्या सिखाएंगे, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, कॉपीराइटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस ऑडिटिंग, हम सब कुछ क्या करते हैं, सब कुछ सिखा देते हैं भैया। 6 महीने 1 साल के अंदर जिस भी फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसको सिखा दिया जाता है, उसको इंटर्नशिप भी मिल जाता है अच्छे स्टार्टअप में, वो इंटर्नशिप भी करता है और 1 साल बाद तो वो कॉलेजेस के अंदर वो हॉस्टल में बैठा नहीं रहता वो सारे बच्चों की तरह, वो या तो अपने आइडिया पे स्टार्टअप पे काम करने लगता है या फिर किसी कंपनी में नौकरी करता है, इंटर्नशिप करता है।
ओके यार, नौकरी तो आपको मिल जाएगी। खैर बात करते हैं राजस्थान की, अब कॉलेजेस की, आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे हम जोधपुर की ओर। हाँ जी भैया, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कॉलेजेस अगर है तो आपको जयपुर में मिलेगा और जोधपुर के अंदर मिलेगा। जोधपुर के अंदर अगर हम पढ़े अब तो वैसे एक बड़ा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। हाँ जी, उसके अंदर मेजोरिटी जो कॉलेजेज हैं वो एफिलेटेड कॉलेजेज हैं एंड लोटो प्राइवेट कॉलेजेज हैं, बीएससी की डिग्री देने वाले कॉलेज हैं और एग्रीकल्चर वाले कॉलेज हैं। लेकिन एक कॉलेज है वहाँ पे एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ जी, जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाद में सबसे का सस्ता फीस वाला कॉलेज इसको मानते हैं, तो वह है एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज। काफ़ी कम रैंक पे मिल जाता है ये, राजस्थान का गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर नंबर वन पे माना जाता है। प्लेसमेंट रेशियो बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, टूटी फूटी बिल्डिंगें दिखाई देती है वैसे अब, लेकिन हाँ आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आता है राजस्थान की दौरा वाली धरती के अंदर। आप तो वैसे ठीक ठाक कॉलेज माना जाता है जोधपुर के अंदर, आप जो है इसको टारगेट कर सकते हो भैया। उसके बाद जो है वो लोकल स्टेट, हाँ जी भैया, दौसा, धौलपुर, भीलवाड़ा, सीकर, नागौर, कुचामन, अलवर, हाँ वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है। गोरपिट ने क्या किया, बहुत सारे कॉलेज खोल रखे हैं भैया, बांसवाड़ा में भी खोल रखा है, हाँ यहाँ पे धौलपुर में भी खोल रखा है, बूंदी में भी खोल रखा है, अब सब जगह छोटे छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे हैं। लेकिन उनके पास प्रॉब्लम क्या है, इनोवेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, R&D नहीं है, ना कोई लेब है, अब ना कोई कुछ है। वो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेज आपको इंजीनियरिंग के बहुत मिलेंगे भैया। हाँ जी, जो लोकल बच्चों को पढ़ाते हैं अब, और जो सिंपल डिग्री दे देते हैं आपको, अगर बीटेक करनी है तो ये कॉलेजेस क्या करते हैं, आपको बीटेक की डिग्री प्रोवाइड कर देते हैं, अब सिर्फ 15,000 रुपये पर सेमेस्टर में, वो भी एक प्राइवेट कॉलेज। आपको सामने से ये भी बोलते हैं भैया कोई बात नहीं, एग्जाम मेरे खुद के सेंटर में लगेगी, पास भी करा दूंगा। हाँ जी, तो वैसे कॉलेजों में जाने का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट के लोकल बच्चे होते हैं। और इनफैक्ट राजस्थान में तो ऐसा मेथड है कि आपने अगर आर्ट्स से किया है ना, अगर आपने आर्ट्स से किया है 12th क्लास, कोई बात नहीं, तुमको मैं बीटेक का डिग्री दे दूंगा, डोंट वरी। हाँ, ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, और वो क्या बोलते हैं, हमारे कनेक्शंस है। हाँ जी, कनेक्शंस है हमारे, कोई बात नहीं, तुम पैसे दो, तुम 10,000 रुपये दो, कोई बात नहीं, डिग्री दिला दूंगा तुम्हें। हाँ जी, उसके बाद अगर बात करें कोटा, कोटा चलते हैं भैया, राजस्थान का एजुकेशन हब कोटा। कोटा के अंदर काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं। वैसे आपने एक IIIT कोटा का नाम सुना होगा, वैसे मेजोरिटी उसकी जो क्लासेज है वो MNIT जयपुर के अंदर लगाई जाती है। इसका कोई बहुत बड़ा कैंपस है अभी बनाया नहीं गया। एक कॉलेज है RTU कोटा, हाँ जी, राजस्थान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, राजस्थान का बहुत पुराना कैंपस है ये। इसके अंदर जो है मेजोरिटी फील्ड्स अवेलेबल है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो एरोनॉटिकल हो, हाँ जी, कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, ये भी आपको काफ़ी लो रैंक पे ये कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है। हाँ जी, उसके बाद अगर अपन चलें तो अलवर, हाँ जी, वैसे जयपुर के थोड़ा पास के अंदर पड़ता है, दिल्ली भी इसके थोड़ा नज़दीक है। अलवर के अंदर वैसे मेजोरिटी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है, काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं, कॉलेजेज बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छे कॉलेज जिनको हम टारगेट कर सके, जहाँ पे पढ़ाई की जा सके, एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे देखने को मिलता है जिसका नाम है NIIT, हाँ जी, NIIT, वैसे NIIT टेक्नोलॉजीज एक बहुत बड़ा कंपनी है हमारे देश का, हाँ जी, IT कंपनी है, उसी के मालिक ने एक स्टार्ट किया है NIIT। वैसे इस कॉलेज का कहना है कि 100% प्लेसमेंट भैया, हाँ जी, 100% प्लेसमेंट दिलाऊंगा। इसके बाद में अगर देखें राजस्थान के अंदर मेजोरिटी कॉलेजेस तो जयपुर के अंदर है, वो कि प्राइवेट कॉलेज है, आप उनको टारगेट कर सकते हो। उसके बाद में कुछ एक्सेप्शनल ब्रांड कॉलेज की अगर बात करूं, आप अगर एक गर्ल्स स्टूडेंट है, फीमेल कैंडिडेट है, देन राजस्थान का नहीं पूरे इंडिया का बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है इसको, मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा है लेकिन एक्सपोजर नहीं है भैया। हाँ जी, अब तुमको अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए, फंडिंग चाहिए, घूमने जाना है तो उसके लिए कोई मेजोरिटी बहुत आपको अच्छा नहीं मिलता है वहाँ पे। लेकिन हाँ, कैंपस बहुत बड़ा है, घूमते घूमते आप लोग वहीं पे थक जाओगे। हाँ जी, वैसे जेई मेन की एग्जाम देने बचपन में वहाँ पे गया था मोदी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो तभी मैंने वहाँ पे देखा था, बहुत बड़ा कैंपस था एक्चुअली के अंदर। वो एक कॉलेज आता है राजस्थान में, वनस्थली विद्यापीठ। हाँ जी, वैसे ये भी गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है, राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये कॉलेज पढ़ता है, जयपुर से ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर दूर ये कॉलेज पढ़ता है। उसके बाद में अगर बात करूं मैं तो राजस्थान का जो ब्रांड, जो एम्बेसडर कहा जाता है जिसको, बिट्स पिलानी, हाँ जी हाँ, राजस्थान की वैल्यू जो बढ़ा देता है, ये पड़ता है आपके झुंझुनू के पिलानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हाँ जी, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े म्यूजियम वगैरह भी बनाए गए हैं। उसके बाद में कॉलेज आता है LMMIIT। हाँ जी, ये भी एक काफी अच्छा प्राइवेट कॉलेज माना जाता है, काफी अच्छी रैंक लानी पड़ती है इसके लिए भी। एक जेके लक्ष्मीकांत जी सिमट ग्रुप का भी कॉलेज है एक, हाँ जी, काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है इसको। अब इसके अलावा आपको अगर अच्छे कॉलेजों में चाहिए एडमिशन, हाँ जी, भैया पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, देन आप हमारा इंजीनियरिंग गाइडेंस काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंडिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ मैं, कोई नहीं, आपकी टक्कर में पड़े हो किस चक्कर में, जरूर से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो।